अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अशोक कुमार विजय के खाते से अज्ञात बदमाशों ने 50,000 रुपये निकाल लिए। इसे लेकर पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बताया कि केशव नगर वैशाली नगर के रहने वाले अशोक कुमार विजय ने बताया कि उनके पास डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का मैसेज आया और फिर एक फ़ोन आया जिन्होंने उनसे डेबिट कार्ड की जानकारी ली। इस जानकारी के बाद OTP शेयर किया गया जिसके माध्यम से बदमाशों ने उनके खाते से 50,000 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, अशोक कुमार विजय हैं जो कि केशव नगर वैशाली नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने थाने पर लिखित में एक रिपोर्ट हमें पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरे पास एक पहले मैसेज आया था और मैसेज आने के बाद एक कॉल आया कि आपका डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक कर रहे हैं, या तो आप हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएं, यदि आप इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाते तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उस संबंध में मुझे एक मोबाइल पर OTP भेजा और कुछ सूचनाएं मुझसे मांगी थी, तो मैंने मोबाइल पर OTP और मैसेज दे दिया। इस तरीके से परिवादी ने जो सूचनाएं उपलब्ध करवाई उसके बाद उनके खाते से लगभग 49,000 रुपये कट गए, जिसकी उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी जिस पर हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसका अनुसंधान जारी है। लगभग कितना अमाउंट है? 49,000।